मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में केंद्र व उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने लाभार्थियों का व्यापक समूह तैयार किया है। आज समाज के हर एक तबके को बिना भेदभाव सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सीएम योगी शुक्रवार को रानीडीहा खोराबार में आयोजित गरीब कल्याण मेला एवं भाजपा के नए क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 में देश का भाग्य बदलने के लिए जनता जनार्दन ने मोदी जी को बागडोर सौंपी। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक व सकारात्मक बदलाव आया है। हर एक स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती से लागू किया गया है। लाभार्थियों का व्यापक समूह तैयार कर बिना भेदभाव सभी गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए पूर्व की राज्य सरकार बाधक बनती थी। इन बाधाओं को तोड़ते हुए 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनाई। उसका असर यह है कि आज उत्तर प्रदेश में सरकार की योजनाओं का लाभ करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना से निःशुल्क बिजली कनेक्शन, अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त राशन, युवाओं के लिए मुद्रा स्टैंडअप, स्टार्टअप की योजनाएं, डिजिटल इंडिया के जरिए घर बैठे विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी का लाभ समाज में हर तरफ नजर आता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों, नौजवानों, महिलाओं, गरीबों सभी को अपनी योजनाओं से जोड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की महामारी इंसेफ्लाइटिस के समाधान के लिए गंभीर प्रयत्न किए। उन्होंने गोरखपुर बस्ती मंडल में पीडियाट्रिक आईसीयू के लिए न केवल धनराशि उपलब्ध कराई बल्कि गोरखपुर में एम्स बनने का प्रस्ताव भी उनके समय में ही स्वीकार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में किए गए कार्यों से इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों पर 95% नियंत्रण पा लिया गया है। इसका उन्मूलन अब अंतिम चरण में है। आने वाले समय में किसी भी मासूम की मौत इंसेफ्लाइटिस से नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की तरफ कदम बढ़ा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। बस्ती, देवरिया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज संचालित हो चुके हैं, कुशीनगर में बन रहा है और महाराजगंज में पीपीपी मॉडल पर इसके निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के विजन में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके मार्गदर्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है। रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह के साथ ही गरीब कल्याण योजनाओं के प्रति जनता में नया विश्वास जागृत हुआ है। 2 लाख कन्याओं को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना तथा 12 लाख को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित किया गया। युवाओं को डिजिटली फिट रखने तथा उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए अब तक 16 लाख टैबलेट व स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। अगले 2 साल में 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन व टैबलेट मिलेंगे। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के नए क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा का आगमन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनाव में भाजपा को 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का अवसर दिया है। इसमें गोरखपुर कमिश्नरी का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ है। गोरखपुर कमिश्नरी में 28 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही आज 8 जनपदों के जिला कार्यालय सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अयोध्या, रायबरेली, जौनपुर, अलीगढ़ और बागपत के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्र सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के उपरांत गरीब कल्याण के लिए आयोजित आज की इस जनसभा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल
के अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री सम्मान श्री सुनील बंसल जी, प्रदेश सरकार में केंद्र भारत सरकार के मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी, प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, दया शंकर सिंह जी, श्रीमती विनय लक्ष्मी गौतम जी, श्री संजय निषाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, डॉक्टर मोहनराम त्रिपाठी जी, श्री कमलेश पासवान जी, श्री प्रवीण निषाद जी, श्री हरीश त्रिवेदी जी, श्री विजय दुबे जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, श्री श्री प्रताप शुक्ला जी, श्री नीरज शेखर जी, श्री सरलदीप भानुकर जी, जय प्रकाश निषाद जी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्रीमती संगीता यादव जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय प्रभारी श्री अनूप गुप्ता जी, प्रदेश प्रभारी कार्यालय के प्रभारी, कार्यालय संचालन समिति के प्रभारी डॉक्टर राकेश त्रिवेदी जी, जिलाध्यक्ष विष्णु सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबकी ओर से विधानसभा चुनाव के उपरांत सभा ग्रहण होने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार प्रारंभ हो रहा है, और इस अवसर पर मैं बाबा गोरखनाथ की पावन धरती पर दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक साथ दुनिया का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है भारतीय जनता पार्टी, गोरखपुर क्षेत्र के कार्यालय का भव्य उद्घाटन भी हो रहा है, और 8 जनपद कार्यालयों का भी उद्घाटन का कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष के कर्तव्यों से यहाँ पर संपन्न हुआ है। इस अवसर पर उन सभी कार्यालयों में उपस्थित जितने भी पदाधिकारी, प्रदेश सरकार के मंत्री और के लोकल जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी ने उन सबको भी मैं नए कार्यालय प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं उन सब के लिए व्यक्त करता हूँ। हम सब जानते हैं 2014 में देश के भाग्य को बदलने के लिए जब इस देश की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करते हुए देश की बागडोर के हाथों में सौंप ली, तो पूरे देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक बदलाव आता हुआ दिखाई दिया। आज उस बदलाव को गांव में गरीब के घर, हर नौजवान, हर महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, और उनके द्वारा हरेक स्तर पर उन योजनाओं को पूरी मजबूती के साथ न केवल स्वीकार किया जाता है, बल्कि व्यापक पैमाने पर लाभार्थियों का एक समूह देश के अंदर खड़ा हुआ है कि पहली बार देश की योजनाओं का लाभ देश के गरीबों को बिना भेदभाव के प्राप्त हुआ, और ये सब संभव हो पाया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। देश के अंदर परिवर्तन हुआ, और प्रधानमंत्री के रूप में
प्रधानमंत्री के रूप में आए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उस समय की राज्य सरकार ही बाधक बनी हुई और उन सभी बाधाओं को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए जब 2017 में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना भारी बहुमत से सरकार का गठन करवाने में अपना योगदान किया, आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों की संख्या में लाभार्थियों को मिली हुई योजनाओं का लाभ उस रूप में देखने को प्राप्त हुआ। लाभार्थी समूह गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ, अलग अलग योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हुआ, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर पर गरीब परिवार के पास अपना शौचालय हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हर गरीब परिवार के पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन हो, या फिर परिवार के पास हो, सब्सिडी का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक व्यापक पैमाने पर लाभार्थी समूह उत्तर प्रदेश के अंदर भी बड़ी संख्या में तैयार हुआ और उस लाभार्थी समूह के साथ प्रधानमंत्री जी का सीधे संवाद आज हम सब के सामने इन सभी योजनाओं की पारदर्शिता को भी एक बार सबके सामने प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता। आज के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गोरखपुर में आगमन हुआ है और इस गरीब कल्याण कार्यक्रम में कुछ लाभार्थियों को हमने अपने कार्यक्रमों से सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें आयुष्मान भारत का है, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी है, किसानों को मिलने वाली सुविधा का लाभ हो, सब्सिडी का लाभ हो, या किसान को मिलने वाली किसान के यंत्रों को ट्रैक्टर आदि उपलब्ध कराने कोई सपना होता था पहले कि किसान को भी ट्रैक्टर मिल पाएगा, लेकिन आज किसान को ट्रैक्टर अग्रपति यादव को इसी मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रमों से एक ट्रैक्टर की चाबी उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। ऐसे अनेक कार्य, ऐसे अनेक किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ हो रहा है और इस लाभार्थी पर गरीब कल्याण सभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं उपस्थित हुए हैं, मैं इसके लिए उनका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर की दृष्टि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन और भी महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं आज वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके नेतृत्व में अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की जनता ने 2/3 से अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया और अध्यक्ष जी इसमें गोरखपुर कमिश्नरी ने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है। 28 में से 27 सीट गोरखपुर कमिश्नरी ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। शपथ ग्रहण करने के बाद गोरखपुर में हुआ, मैं इसके लिए आपका स्वागत करता हूं। आपका स्वागत इसलिए भी करता हूं कि आप स्वास्थ्य मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में गोरखपुर की और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बीमारी इंसेफ्लाइटिस के समाधान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब आपको इसकी जिम्मेदारी दी तो आपने सबसे पहले यहाँ पर गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण के लिए धनराशि भी उपलब्ध कराई और फिर गोरखपुर का एम्स, जिसे अभी आप देखते हुए आ रहे थे, वहाँ क्या भव्य बिल्डिंग बनी हुई है लोगों के उपचार के लिए, यह भव्य बिल्डिंग
के समय में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आपने स्वीकार किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की टीम ने जब काम किया इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत के आंकड़ों को 95 फीसदी नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। आज हम कह सकते हैं कि इंसेफ्लाइटिस का अनुमोदन अंतिम चरण में चला है। इंसेफ्लाइटिस से किसी मासूम बच्चे की मौत नहीं होगी क्योंकि यह आज को हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेज में बनता है। यहाँ पर बस्ती के मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए आप स्वयं आए थे। सिद्धार्थनगर में भी माधव प्रसाद त्रिपाठी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम लोगों ने जनपद सिद्धार्थनगर में कर लिया है। देवराहा बाबा के नाम पर देवरिया में मेडिकल कॉलेज का संचालन हो गया है। उसी नगर में मेडिकल कॉलेज का संचालन हो रहा है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य हो रहा है। पीपीटी मोड पर महाराजगंज जिले में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है और कमोबेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जनपद में आज मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश 75 जनपद है लेकिन एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के सामने उत्तर प्रदेश ने कदम आगे बढ़ा दिए। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम हर प्रकार की सुविधा न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बल्कि स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के उपलब्ध करा सके और स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार की गवर्निंग की सरकार हर गरीब को हर गांव को हर किसान को हर नौजवान को हर महिला को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। देश के अंदर लोगों के मन में एक नया विश्वास है
डेवलपमेंट के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ने के इस कार्यक्रम को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश को और देश को एक विजन दिया है, एक नेतृत्व दिया है और प्रदेश प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और आज प्रदेश में आपका आगमन गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ आठ जनपदों के जनपद कार्यालयों के उद्घाटन के साथ ही यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और आज इस गरीब कल्याण सभा में भी आपका मार्गदर्शन लाभार्थियों को प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ आपके मार्गदर्शन से अन्य लोग भी जो गरीब कारणों से योजनाओं से अब तक वंचित है, वहां तक नहीं पहुंच पाया है, उन लोगों तक भी ये योजना का लाभ प्राप्त हो पाएगा, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आपका आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, क्षेत्रीय संगठन गोरखपुर को और आठ जनपदों के क्षेत्रीय कार्यालयों का उद्घाटन हो रहा है, वहां के जनपद संगठन को भी मैं इन नए कार्यालय को प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि पार्टी के संस्थापकों और नेतृत्व के मार्गदर्शन में मूल्य और सिद्धांतों को आगे बढ़ते हुए गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और जब देश की बात आएगी तो देश प्रथम के भाव के साथ हम सब मिलकर के कार्य करेंगे, विश्वास के साथ उन्हें भी मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।